जो स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं सेल के अंदर, वो देखिए तीन प्रकार के होते हैं। एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल्स होंगे वो सेंट्रियोल से रेडिएट करेंगे और इसके सेल की पेरिफेरी की तरफ जाएंगे। दूसरे तरह का जो माइक्रोट्यूबुल होगा वो पोलर माइक्रोट्यूबुल होगा, ये सेंट्रोसोम से ये रेडिएट करेंगे और दोनों पोल से रेडिएट करके ये दोनों एक दूसरे को पास करेंगे और सेल के बीचों बीच एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। तीसरा जो है क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल होगा, ये एक्सटेंड करेगा सेंट्रोसोम और काइनेटोकोर के बीच में, सेंट्रोसोम और ये काइनेटोकोर इसके बीच में करेंगे। और ये देखिए ये पोलर माइक्रोट्यूबुल हो गया, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल हो गया और ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल हो गया। तो इस एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल्स का फॉर्मेशन या एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लांट सेल में एस्टर्स लैग करते हैं, सेंट्रियोल्स लैग करते हैं, इसलिए एस्टर भी लैग करेगा। प्लांट सेल्स में एक थिक सेल वॉल पाई जाती है, वो जो है स्पिंडल अपरेटस बनता है, वो सेल वॉल उसको सपोर्ट करती है और इसमें जो है ये एस्टर सपोर्ट करता है स्पिंडल अपरेटस को।